हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक और नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है भाई। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे भाई। और आज का व्लॉग बहुत बढ़िया आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और बढ़िया मौसम हो रहा है, 10 बजे सो के उठा हूँ, बाहर बिल्कुल बढ़िया धूप निकली हुई है। बाद में आपको दिखाऊँगा बाहर का। अब मैं सीधे जा रहा हूँ नहाने, और नहाने के बाद सारा काम करूँगा। हाँ, तो फाइनली गाइज मैं अच्छे से पूजा कर चुका हूँ मंदिर के अंदर, और अब मैं घर जाऊँगा अपने कस्टमर। और एक कस्टमर के भाई 4 पेयर शूज़ लाने हैं, वो बहुत काफ़ी गंदे ड्राई क्लीन करने हैं, तो उसको ड्राई क्लीन करूँगा मैं। आपको दिखाऊँगा कितने गंदे शूज़ और किस तरीके से उन्हें करें। तो आज का काम यही सब करना है मेरे को। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में समोसा है, ब्रेड है, और भाई चाय है। तो अभी ये पीते हैं और इसके बाद जाना है भाई घाट पे, सारा काम हम निपटाएंगे दबा के। तो मतलब आज मुझे सारे लॉन्ड्री का काम समेटना है। उधर ही सारा काम ख़त्म करने के बाद रेडी करते हैं। वॉशर मशीन मैंने लगा दी है, और वॉशर मशीन लगाने का फ़ायदा ये है भाई, जल्दी से कपड़े में सारे जल्दी धोदा दूंगा। और सारे कपड़ों को धोने के बाद मैं सबको डालने जाऊंगा रस्सी में, और रस्सी में डालने के बाद भाई आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। मैंने कल कपड़े आपने ब्लॉग में देखा, कल वाले ब्लॉग में, वो मैंने किस तरीके चमकाए हैं कपड़े, आपको दिखाऊंगा पैकिंग वैकिंग करके सब। तो मशीन में पानी लगा ही दिया है। यहाँ तो गाइज आप लोग देख सकते हो भाई, मैं जिम जाने का मेरा मन तो कर नहीं रहा, पर मैं सोच रहा हूँ जाना पड़ेगा यार। छुट्टी करने का फ़ायदा है नहीं, जो होगा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगा, क्या पता वहाँ जाके मूड बदल जाए, बढ़िया सक्सेस में करूँ तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने भी ब्रेड ले लिया, इसके अंदर डाला मैंने पीनट बटर भाई, लगा रखा है पीनट बटर। तो अभी मैं यही खाता हूँ, ये खा रहा हूँ, थोड़ी एनर्जी आएगी और चलते जी। दोस्तों ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो भाई, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बैक अच्छी होती है, शोल्डर अच्छा होता है, और खासकर लोअर बैक। और ये मैं जब भी करने की बात को बता रहा हूँ, जो अगर आप किसी के हेल्प ले करना शुरुआत में, ऐसे मत करना, पहले मेरे से नहीं हो पाती थी, पर अभी करने लगा। हाँ तो गाइस आज के मैंने वर्कआउट को ख़त्म कर लिया, और अब मैं जा रहा हूँ हमारे घर की तरफ। और आज जो मैंने हमारे घर बैक की एक्सरसाइज मारी है बढ़िया तरीके से, और एक मैं उसके बीच में एक चीज़ ऐड करी है, तो काफ़ी टफ होती है, बट आप उसको ऐड कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो मैंने भाई वो चीज़ करी, आप देखना जरूर, देखा होगा आपने, एंजॉय करा होगा। चलते घर की तरफ, प्रोटीन पीते हैं। मैं आ चुका हूँ, और प्रोटीन ये रहा, प्रोटीन में घोल रहा हूँ दूध के अंदर, और अब इसको पीते हैं। इसमें पीने पड़ेगा, क्या करें, शेखर गंदा पड़ा, अभी भी धोया नहीं मैंने भाई, 2 दिन से शेखर धोया ही नहीं, और इसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना भाई, अब मेरे को ढंग से धोना जरूरी है, नहीं धोऊंगा ना तो लग रहा फेंकना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की स्मेल आपको पता है बहुत डेंजर होती है। अभी मेरा अभी ये काम 2-3 चीज़ें हो रहा है, सोच रहा हूँ कुछ कपड़े ट्रैकिंग के पैक कर लूँ। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ रिज्यूम बना लूँ, मुझे अपना रिज्यूम बनाना है, तो सोच रहा बाहर से बनवाए, खुद बनवा लेता हूँ। सोच रहा हूँ कहीं पर जॉब वॉब के लिए ट्राई करता हूँ, तो इसलिए मैं रिज्यूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लैपटॉप लेता हूँ, रिज्यूम बनाता हूँ सारा बैठ के। डिनर आ चुका है, डिनर के अंदर है कि भिंडी और रोटी और कढ़ी, जो दोपहर में खाई थी वो कढ़ी है।